साहब है पूरी तरह से गाड़ी को तोड़ा, और ये पुलिस नहीं है, ये साथ साथ पुलिस के साथ साथ कुछ और नवाब कुछ अफराद भी हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। पुलिस की कुछ पताही इनको हासिल है और गाड़ी किस तरह तबाह बर्बाद कर दी गई है, बल्कि गाड़ी को तबाह बर्बाद किया गया। या फिर राशिद साहिबा से जब हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि उनको खींचा गया और उनको बाहर निकालने की कोशिश की गई, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई। अलबत्ता उनके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो सकी और वो डटी रही, उनकी जानब से ड्राइविंग सीट को संभाला गया, लेकिन उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। अब सवाल ये होता है कि ये उल्लू भट्ट कौन है जो कि गाड़ी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नकाबपोशी अफराद, ये इसका पता लगाना बाकी है। बिल्कुल बदला, लेकिन मंजर नहीं बदला। तब भी जब मोटर टाउन का सामने आ वहाँ का, तो गुल्लू भट्ट नाम का एक कारपुर मुस्लिम नवाज का डंडे के साथ पुलिस की पुश्त पनाही में गाड़ियां तोड़ रहा था, और आज भी वही मंजर है। वक्त जरूर बदला है लेकिन हालात नहीं बदले। आज भी मुस्लिम नवाज की हुकूमत है, आज भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन वही मंजर है, वही गुल्लू भट्ट है, वही नकाबपोश लोग हैं। बस अब ये फर्क है कि उस वक्त गुल्लू भट्ट के चेहरे पर नकाब नहीं था। आज के जो ये कारकुनान या जो भी लोग हैं, ये जब डंडे बरसा रहे हैं, इन्होंने अपने चेहरे छुपा रखे हैं और नकाब का इन्होंने चेहरे पर ओढ़ा हुआ है, और काम वही है, हरकत वही है, किसी तरह डंडे बरसा रहे हैं गाड़ियों पर। जी हाँ बिल्कुल, लाहौर की सिचुएशन तो हम आपको वक्तन फवक्तन दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि किस तरह वहाँ पर कशीदा सूरत हाल है, मैदान जंग के मनाजिर हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी जानेब आपको ये भी